देश भर में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे 21 अगस्त को भारत बंद और संपूर्ण लॉकडाउन वाला एक पर्चा खूब वायरल हो रहा है। बस्तर जिला के सर्व आदिवासी समाज ने इस पर्चे को अपने समाज के होने से इनकार कर दिया है। साथ ही समाज ने शांतिपूर्वक बंद के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स और जनता से अपील की है। वही बस्तर ASP महेश्वर नाग ने फैल रही भ्रामक खबरों का खंडन किया। बता दें कि इस दिन सर्व आदिवासी समाज रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेगा। हमारा समर्थन है भारत बंद की, जो 21 तारीख का 21 अगस्त को जो भारत बंद है उसका समर्थन है। और इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी संस्थाओं को बंद करना है, वो सरकारी संस्था खुले रहेगी और इमरजेंसी का जो भी सिस्टम है, जो भी लगता है जैसे कुछ कुछ ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप है, ऐसे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो इमरजेंसी जो रहेगा वो खुले रहेगा, बाकी का बंद रहेगा। और इस पत्र का मैं जहाँ भी भड़काऊ ऐसा कुछ भाषण होगा उसका मैं खंडन करता हूँ और ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है और ये कहाँ से हमको पता ही नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ दिनों से ये पर्चा वायरल हो रहा है जिसको लेकर के नगर में भ्रांति की स्थिति है। इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्व आदिवासी समाज को बुलाया गया था, जिन्होंने 21 अगस्त को पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर के इस पर्चे के संबंध में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ये पर्चा उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है, इस पर्चा से उनका कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इन्होंने पूरी जनता से 21 तारीख को बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है और बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, शहर में पर्याप्त बल लगाया जाएगा, किसी को भयभीत होने या किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है।